तो क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए आपने क्वेरी भी लिख दी, क्वेरी आपके रेडी है। इस क्वेरी को स्टूडेंट टेबल की डिटेल चाहिए कि स्टूडेंट टेबल कहां रखी हुई है या स्टूडेंट टेबल किस डेटाबेस में है। तो एग्जैक्टली इस स्ट्रिंग को पहले मुझे क्वेरी के फॉर्म में प्रिपेयर करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो स्ट्रिंग को क्वेरी के फॉर्म में प्रिपेयर करने के लिए कनेक्शन के पास एक प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम की मेथड है, ये मैंने कॉल कर ली प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड मुझसे एज ए पैरामीटर क्या मांग रहा है, वो स्ट्रिंग जिसको आपने एसक्यूएल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैंने एसक्यूएल इसको दे दिया। अब ये मुझे रिटर्न करके क्या देगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, पीएस इक्वल टू दिस। तो ये दोनों कहानी समझ में आई कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या है जावा में, इट इज अ इंटरफेस, व्हाइल प्रिपेयर स्टेटमेंट इज अ मेथड। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ना पीएस, तो इसने मेथड कॉल करी कौन सी, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। लेकिन जब इसने एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को एग्जीक्यूट किया तो अभी तो आपकी जो क्वेरी है उसमें डेटा तो है ही नहीं ना, आपकी तो क्वेरी पैरामीटराइज्ड क्वेरी है और अभी आपने पैरामीटर को रिप्लेस कहां किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर एडवांस जावा के इस फ्री कोर्स में, जहां आज भी बात होगी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अभी तक हम लोगों ने जिन कॉन्सेप्ट को पढ़ा है एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ड्राइवर लोड का कॉन्सेप्ट देख लिया, सेकंड स्टेप में हमने बात की थी डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में, और तीसरी स्टेप में जो हम बात कर रहे थे क्वेरी एग्जीक्यूशन को लेके। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको दो मेथड बताई थी, है ना। ये हमने जेडीपीसी के इंटरफेसेस की बात की थी कि वी रिक्वायर्ड कनेक्शन इंटरफेस, देन हमने स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, इनका जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। और लास्ट टाइम हमने जो बेसिकली बात की थी वो इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को लेके बात की थी कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो इंटरफेस है इसमें दो मेथड्स हैं, वन इज एग्जीक्यूट अपडेट एंड सेकंड इज एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसको हम यूज करेंगे इंसर्ट डिलीट और अपडेट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसा क्यों, ये मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। और जब भी कोई ऐसी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करेंगे जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और वो क्वेरी होती है सिलेक्ट क्वेरी, तो हम यूज करेंगे सिलेक्ट मेथड के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को। इसका रिटर्न टाइप है रिजल्ट सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, ओके। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेरी जो हम अभी एग्जीक्यूट करने वाले हैं, पैरामीटराइज्ड क्वेरी और नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी। पैरामीटराइज्ड क्वेरी वो क्वेरी होती है जिसमें क्वेरी के साथ हम डेटा भी या वैल्यू भी पास करते हैं, और नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी मतलब द क्वेरी विदाउट एनी वैल्यू, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इज अ नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी, व्हाइल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101 इज अ पैरामीटराइज्ड क्वेरी। तो ये हमने बात की थी पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी के बारे में, ओके। तो चलिए अब इसके आगे की स्टेप में हम चलते हैं, और सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को यूज करेंगे फॉर इंसर्ट द रिकॉर्ड इन अ टेबल। कि अगर मुझे टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है देन हाउ विल गो फॉर एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, इसकी सीक्वेंस क्या होगी, इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को सीक्वेंस में पढ़ा है और आपने ड्राइवर लोड, डेटाबेस कनेक्शन और इसके प्रीवियस पार्ट को जो 4.1 वाला पार्ट था आप उसको कवर कर चुके हैं, क्योंकि बेटा मैं बार बार लगातार कंटिन्यूसली जो समझ में आता है ठीक है उस लैंग्वेज में समझ लो। अगर आप सीक्वेंस मेंटेन नहीं करोगे तो इट्स क्वाइट इंपॉसिबल कि आप डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से समझ पाओ, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस से आपको चलना है, राइट। तो लास्ट लेक्चर के बाद अब हम इसके आगे बात करते हैं। आप देखिए, अब अगर मुझे क्वेरी एग्जीक्यूशन करना है तो देखिए इसको पहले आप कॉन्सेप्ट समझना। हमने ड्राइवर लोड कर लिया, पहली स्टेप में हमारा ड्राइवर लोड हो गया, ओके। सेकंड स्टेप में हमने कॉन ऑब्जेक्ट रेडी कर लिया, ठीक है। हमने लिखा था, याद करो, कॉन इक्वल टू ड्राइवर लोड करने के बाद सेकंड स्टेप में हमने जब डेटाबेस कनेक्टिविटी की तो डेटाबेस कनेक्शन के बाद, डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद मेरा जो कॉन ऑब्जेक्ट है वो कॉन ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, डॉट गेट कनेक्शन। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड क्या है और ये क्या रिटर्न करेगी। दिस ऑल कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, ठीक। तो यहां तक अभी अगर हम बात करें तो हमारा ड्राइवर लोड हो चुका है, डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है और मेरा कौन ऑब्जेक्ट जो है या कनेक्शन ऑब्जेक्ट रेडी है, इतना तो हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ भी देख लिया है। लेकिन अब यहां पर अगर हम बात करें, और आप देखिए फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक रोल नंबर है, मतलब जो टेबल है हमारी डेटाबेस में, ये टेबल है मेरी स्टूडेंट के नाम से। इस स्टूडेंट टेबल में तीन फील्ड है सपोज, ठीक है। पहली फील्ड है आपकी रोल नंबर, सेकेंड फील्ड है आपकी नेम, तीसरी फील्ड है आपकी सपोज मोबाइल नंबर। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, राइट। इसका डेटा टाइप है इंटीजर,
इसका डेटा टाइप है वेरकेयर और ये तीसरा डेटा टाइप अगेन है आपका इंटीजर। ये तीन फील्ड के साथ आपकी एक टेबल डेटाबेस में रखी हुई है। कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, ड्राइवर हमारा रेडी है। अब मुझे ये जो वैल्यू है, अभी मैं स्टैटिक वैल्यू लेके चल रहा हूं कि मान लो अगर रोल नंबर है मेरा, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये मेरा रोल नंबर है सपोज 101, ठीक है, स्ट्रिंग, ये मेरे पास नाम है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, नाम है सपोज मैंने यहां पर ले लिया व्हाटएवर, विवेक ही ले लेता हूं, चलो ठीक है, ठीक है, और ये मेरे मोबाइल नंबर है सपोज, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का विच इज माई मोबाइल नंबर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूं MB, ठीक है, MBN मोबाइल नंबर, ओके, ये मैंने ले लिया सपोज 1 2 3 4 5 6। अब ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा डेटा है जो जावा में है। अब ये डेटा, डोंट वरी, आप देखो अभी मैंने क्या किया, डेटा को स्टैटिक कांस्टेंट लिख दिया, रोल नंबर इज 101, नेम इज विवेक, मोबाइल नंबर इज 1 2 3 4 5 6। लेटर ऑन हम यही डेटा यूजर से स्कैनर के थ्रू रीड कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। लेकिन अब ये जो डेटा है ये मेरा जावा का डेटा है और ये मेरी टेबल है, कनेक्शन हमारा ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, मुझे इस डेटा को इस टेबल में इंसर्ट करना है। तो हमने ड्राइवर लोड कर लिया, डेटाबेस कनेक्शन हमारा रेडी है, और आप देखिए अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, इसका मतलब है मुझे जो मेथड यूज करना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की, वो कौन सी वाली मेथड यूज करना है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो क्वेरी मैं यहां पर लिखने वाला हूं ये मेरी पैरामीटराइज्ड क्वेरी होगी, क्योंकि इसमें मैं तीन वैल्यू इंसर्ट करने की बात कर रहा हूं। तो जब इस डेटा को टेबल में इंसर्ट करने की बात होगी तो अब यहां पर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया SQL के नाम से। सुनना, ध्यान से समझना, बिल्कुल सीरियसली, राइट। ये मैंने एक SQL नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया क्योंकि मुझे इसमें क्वेरी लिखना है। तो इस SQL में हमने क्या क्वेरी लिखी जिससे मेरा टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो जब देखो आप, जब आपकी क्वेरी पैरामीटराइज्ड होती है, राइट, तो हमने यहां पर क्या लिखा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब आप देखो, सुनना ध्यान से, मुझे यहां पर नंबर ऑफ वैल्यू कितनी पास करनी है, टेबल में आपकी कितनी फील्ड है, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, तीन फील्ड है। आपके पास डेटा भी यहां पर ये है, ये तीनों डेटा आपको टेबल में रखना है। चलो यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आ रहा है, ये तीनों वैल्यू मुझे इस टेबल में इंसर्ट करना है। क्वेरी मैंने लिखी है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। जब आपकी क्वेरी पैरामीटराइज्ड होती है तो सबसे पहले हम जो क्वेरी को प्रिपेयर करते हैं, दैट क्वेरी डस नॉट कंटेन एनी वैल्यू। तो जितने पैरामीटर हैं उतने मैंने यहां पर क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी क्वेरी लिखी है, दिस क्वेरी इज कंप्लीट बट विदाउट अ डेटा। ये क्वेरी में अभी डेटा नहीं है, हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज में मैंने जितनी वैल्यूज अभी मुझे पास करनी है उतने नंबर ऑफ मैंने क्या यूज कर लिए, क्वेश्चन मार्क। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई पैरामीटराइज्ड क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर हैं आप उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क पहली स्टेप में अभी लगा दो। लेकिन आपको क्या लगता है, ये क्वेरी है, मतलब ठीक है आपके हिसाब से क्वेरी है, लेकिन जावा के हिसाब से ये क्या है? जावा के हिसाब से अभी ये केवल एक स्ट्रिंग है, इट्स एन स्ट्रिंग, क्योंकि आपने एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। अरे नाम मैंने इसका SQL इसलिए रखा है क्योंकि इसमें मैं SQL क्वेरी लिखने वाला हूं, लेकिन है तो अभी ये स्ट्रिंग ना। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेरी को प्रिपेयर करना है, इस क्वेरी को प्रिपेयर करना है। अभी ये क्वेरी नहीं है, इट इज जस्ट एन स्ट्रिंग फॉर जावा। और मेरे बच्चे, आपने इसको डबल कोट्स में लिखा है, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया है। तो यदि मैं ऐसा लिखता हूं, स्ट्रिंग S इक्वल टू राजेश, तो ये क्या है, ये राजेश क्या है, दिस इज एन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट में असाइंड है कि स्ट्रिंग है। तो वैसे ही यहां भी तो आप सोचो ना, अभी तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं बॉस जो स्ट्रिंग हमने लिखी है दिस इज बेसिकली ए क्वेरी। तो जावा को आपको ये बताना है कि बॉस अब इसको आप क्वेरी फॉर्मेट में प्रिपेयर करो। मतलब सुनो, ये जो मेथड है ना, सुनना ध्यान से मेरे बच्चे मेरे लाल, ये जो मेथड है ना, कौन सी वाली मेथड जो मैंने अभी आपको दो मेथड बताई, कहां गई अपनी, ये जो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड है, ये क्या बोलती है पता है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का ये कहना है मेरा काम क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, क्वेरी रेडी करके आपको देना पड़ेगी, राइट। तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को क्वेरी देने के पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेरी को प्रिपेयर करना है। अभी ये स्ट्रिंग है, आई नीड टू प्रिपेयर दिस स्ट्रिंग इनटू फॉर्म ऑफ क्वेरी। तो इसको क्वेरी फॉर्म में प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो आप सुनो, इस
मतलब सुनना ध्यान से, इस इंसर्ट इनटू कमांड में मैंने टेबल का नाम लिखा हुआ है, जिस टेबल में आपका रिकॉर्ड जाने वाला है, वो जो टेबल है ये टेबल आपकी एक डेटाबेस में रखी हुई है, डेटाबेस का नाम है डेटा फ्लेयर, याद करो लास्ट टाइम का लेक्चर, ठीक है। और ये जो डेटा फ्लेयर नाम का डेटाबेस है ये MySQL में रखा हुआ है, सीक्वेंस ये है, तो आपकी ये टेबल डेटा फ्लेयर में है, डेटा फ्लेयर MySQL में है, याद है प्रीवियस लेक्चर। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है मेरे बच्चे, कौन के पास है, ना कौन कौन है, कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, याद करो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि ये गेट कनेक्शन मेथड पूरी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करके आपको कनेक्शन इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, एक्चुअली रिटर्न करेगी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विच इज इंप्लीमेंटेड बाय कनेक्शन इंटरफेस। मतलब गेट कनेक्शन मेथड एक एसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है जो कनेक्शन इंटरफेस से इंप्लीमेंटेड है, राइट, और वो फैक्ट्री क्लास है, उसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इसीलिए हम ये बोलते हैं कि उस मेथड का रिटर्न टाइप कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, तो हमने उसको कौन में रिसीव कर लिया। तो आपके डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, कौन के पास, ये टेबल कहां रखी हुई है ये कौन को पता है, क्योंकि कौन जो है ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है जो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन ने आपको प्रिपेयर करके दिया हुआ है, राइट। तो मैं इस कौन को बोलूंगा, भाई सुन, आपका काम है मेरी इस क्वेरी को प्रिपेयर करना, और प्रिपेयर करके किसको दे देना, प्रिपेयर करके प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को दे देना ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि क्वेरी को प्रिपेयर करने के लिए मुझे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को मैं बोलूंगा कि आप इस क्वेरी को प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करके प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को दे दो ताकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कर सके, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूट करने वाली एग्जीक्यूट अपडेट मेथड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के पास है। तो देखो कहानी कहां से कहां कैसे घूमेगी। अब इस क्वेरी को अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो कौन जो ऑब्जेक्ट है आपका, किस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन, इस कौन के पास एक मेथड है, इस कौन के पास एक मेथड है, उस मेथड का काम है आपकी क्वेरी को प्रिपेयर करना विदाउट डेटा, उसमें डेटा नहीं है, राइट, एंड दैट मेथड नेम इज प्रिपेयर स्टेटमेंट। अरे सुनो, प्रिपेयर स्टेटमेंट, द मेथड नेम इज प्रिपेयर स्टेटमेंट, राइट। ये जो प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड है, सुन, जावा में दो अलग अलग चीजें हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट इज व्हाट, इट इज अ मेथड, राइट, व्हाइल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, दिस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज एन इंटरफेस, ये इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस है और ये मेथड है, कहां पे है ये मेथड है कनेक्शन इंटरफेस के पास, ये कनेक्शन इंटरफेस की मेथड है, राइट। तो कनेक्शन इंटरफेस की ये जो प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड है, अरे बहुत घुमावदार कॉन्सेप्ट है, सुन ले मेरे बच्चे, ये जो प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड है, इस प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड का रिटर्न टाइप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है। प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड कहां रखी हुई है, कनेक्शन इंटरफेस में, तो कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कौन है, कौन, तो कौन से मैंने प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड को कॉल किया, इस मेथड का काम है क्वेरी को प्रिपेयर करना, तो ये आपको बोलेगी वो स्ट्रिंग मुझे दो जिसको आपने क्वेरी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका आर्गुमेंट टाइप क्या है, इसका आर्गुमेंट टाइप है स्ट्रिंग, तो ये मैंने इसको दे दी SQL जो मैंने प्रिपेयर करके रखी थी। आप चाहें तो ये पूरा डबल कोट डायरेक्टली यहां भी लिख सकते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट में। अब ये मेथड क्या करेगी, ये जो प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड है, दिस प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड रिटर्न्स मी एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस, तो इसके पहले मुझे यहां पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू नल के साथ, मुझे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नल के साथ। मैं आपको पूरी सीक्वेंस लिख दूंगा, पर एक बार आप पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लो, ड्राइवर लोड समझ लिया पहली स्टेप, डेटाबेस कनेक्शन समझ लिया दूसरी स्टेप, अब बात आ रही है क्वेरी एग्जीक्यूशन, अगर आपको करना है तो क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए आपने क्वेरी भी लिख दी, क्वेरी आपके रेडी है, इस क्वेरी को स्टूडेंट टेबल की डिटेल चाहिए कि स्टूडेंट टेबल कहां रखी हुई है या स्टूडेंट टेबल किस डेटाबेस में है, तो एग्जैक्टली इस स्ट्रिंग को पहले मुझे क्वेरी के फॉर्म में प्रिपेयर करना है,
फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो स्ट्रिंग को क्वेरी के फॉर्म में प्रिपेयर करने के लिए कनेक्शन के पास एक प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम की मेथड है, ये मैंने कॉल कर ली प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड मुझसे एज ए पैरामीटर क्या मांग रहा है, वो स्ट्रिंग जिसको आपने एसक्यूएल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैंने एसक्यूएल इसको दे दिया। अब ये मुझे रिटर्न करके क्या देगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, पीएस इक्वल टू दिस। तो ये दोनों कहानी समझ में आई कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या है जावा में, इट इज अ इंटरफेस, व्हाइल प्रिपेयर स्टेटमेंट इज अ मेथड। प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस है, राइट। अब देखो आप, तो अगर हम देखें इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड का अगर मैं आपको सिंटेक्स बताऊं, तो आप देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड कहां है, कौन में, सिंटेक्स समझ लो इसका। मेथड का नाम है प्रिपेयर स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड का आर्गुमेंट टाइप क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में एसक्यूएल, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप है प्रिपेयर्ड। ईडी का डिफरेंस है बच्चे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, इसका रिटर्न टाइप है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। व्हाट डू मीन बाय प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड व्हाट डू मीन बाय प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट इज अ मेथड बिलोंग्स टू कनेक्शन इंटरफेस, व्हिच रिटर्न टाइप इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस। तो ये क्या हो रहा है, समझ में आ रही बात आपको, ये आपकी स्ट्रिंग थी। प्रिपेयर स्टेटमेंट ने क्या बोला, मैं आपकी स्ट्रिंग को एसक्यूएल में रेडी करूंगा। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ने आपको क्वेरी को प्रिपेयर करके दिया, प्रिपेयर करके किसको दे दिया, प्रिपेयर स्टेटमेंट को। क्यों, क्योंकि इसका काम है क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि प्रिपेयर स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट अपडेट मेथड है। लेकिन अब इसके बाद ध्यान से सुनना, जब प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा तो नो डाउट ये वाली मेथड कॉल करेगा कि पीएस डॉट, अभी थोड़ा समय गलत लिख रहा हूं समझना, पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। अरे पीएस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ना पीएस, तो इसने मेथड कॉल करी कौन सी, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। लेकिन जब इसने एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को एग्जीक्यूट किया, तो अभी तो आपकी जो क्वेरी है उसमें डेटा तो है ही नहीं ना, आपकी तो क्वेरी पैरामीटराइज्ड क्वेरी है, और अभी आपने पैरामीटर को रिप्लेस कहां किया है। अरे समझ बच्चे, बहुत आसान है, जब सिस्टम पे टाइप करूंगा ना बड़े आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, राइट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, हाँ मैं डायरेक्टली बिल्कुल ऐसा लिख सकता था पीएस के बाद, लेकिन तब जब मेरी क्वेरी में पैरामीटर नहीं होते। अभी मेरी क्वेरी में तीन पैरामीटर है जिसको मुझे रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, इस रोल नंबर से, इस नेम से और इस मोबाइल नंबर से। क्योंकि अभी आपकी क्वेरी में तीन क्वेश्चन मार्क है, तीनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी तो रिप्लेस करना है ना। तो यहां पर आप सुनना, यदि आपकी क्वेरी पैरामीटराइज्ड क्वेरी है, तो पहले तो क्वेरी को प्रिपेयर कर लो, और आई होप ये प्रिपरेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि पहली स्टेप में आप अपनी क्वेरी को प्रिपेयर कर लो। क्वेरी लिख दी, पैरामीटर की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्वेरी को मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब मेरे पास पीएस रेडी है। पीएस का काम क्या है, दो है। पीएस बोलता है अगर आपकी क्वेरी पैरामीटराइज्ड है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क जितने भी है उनको वैल्यू से रिप्लेस करना और क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, ये मेरा काम है। तो मैंने पीएस को बोला, बॉस मेरी क्वेरी पैरामीटराइज्ड है, पहले तो आप तीनों क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करो। तो इस पीएस के पास जिस टाइप के आपके डेटा टाइप है, मतलब पहला क्वेश्चन मार्क किस टाइप की वैल्यू से रिप्लेस होने वाला है, इंटीजर। तो एक कॉन्सेप्ट अगर आपने कोर जावा में पढ़ा हो, सेटर गेटर, एक कॉन्सेप्ट होता है सेटर गेटर। सेटर का मतलब होता है वो वैल्यू, सॉरी वो मेथड जो सेट करने का काम करती है, और गेटर वो मेथड होती है जो हमेशा वैल्यू रिटर्न करती है, इनको सेटर गेटर कहा जाता है। कभी भी कोई मेथड आपको सेट के नाम से दिखे तो आप समझ जाना ये सेटर है, इट्स अ सेटर। तो आप देखो, मुझे एक्चुअली क्या करना है, इन तीन क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है इन तीन डेटा टाइप के साथ, इंट, वैरकेर और इंटीजर, राइट, फिर से इंट। तो यहां पर पीएस को मैंने क्या बोला, बॉस आप एक काम करो, पीएस डॉट, पहले वाले क्वेश्चन मार्क को मुझे रिप्लेस करना है इंटीजर, सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड सेटिंट, पीएस डॉट सेटिंट। सेटिंट, सेटिंट मतलब इंटीजर वैल्यू को सेट करना है, राइट। ये जो सेटर मेथड होती है एक्चुअली ये पैरामीटर की वैल्यू को सेट करने के लिए है। तो सेटिंट मेथड आपसे पहला आर्गुमेंट क्या मांगेगी, क्वेश्चन मार्क का नंबर, कि किस क्वेश्चन मार्क को आप रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैंने बोला क्वेश्चन मार्क नंबर वन, पैरामीटर वन, किससे रिप्लेस करना है, मैंने बोल दिया आरएनओ से,
आरएनओ कौन, ये आरएनओ आपकी वैल्यू, ये जो आपकी वैल्यू है 101, तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन मार्क है वो रिप्लेस हो गया आपकी रोल नंबर वाली वैल्यू से। फिर मैंने लिख दिया पीएच डॉट, सेकंड वैल्यू किससे रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग से, तो हमने कौन सी मेथड कॉल करी, सेट स्ट्रिंग, तो सेट इंट, सेट स्ट्रिंग, सेट बुलियन, सेट फ्लोट, सेट डबल, हर तरीके की मेथड इस पीएच के पास अवेलेबल है। क्या आपके डेटा टाइप जिस टाइप का है, टेबल में जिस कॉलम का जो डेटा टाइप है, आप वो वाली सेटर मेथड कॉल कर लो। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, पीएच डॉट सेट इंट, सेट स्ट्रिंग, क्वेश्चन मार्क नंबर टू रिप्लेस विद नेम, क्वेश्चन मार्क नंबर टू को रिप्लेस कर दिया नेम के साथ। फिर तीसरी मैंने कॉल की पीएच डॉट अगेन सेट इंट, क्यों, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर भी इंटीजर है, तो हमने क्या लिख दिया पीएच डॉट सेट इंट एमबीएन मोबाइल नंबर। अब आप देखो एक्चुअली जब आपने इस वैल्यू को सेट कर दिया, तो अब अगर मैं इस क्वेरी को देखूं एसक्यूएल को, तो एक्चुअली ये मेरी एसक्यूएल क्वेरी अब पता है क्या हो गई है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख के बताता हूं आपको। अब मेरी क्वेरी ये हो गई है एसक्यूएल इक्वल टू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। सुनना ध्यान से, उसने क्या किया, पहले क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दिया 101, सेकंड क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दिया सिंगल कोड में विवेक, और थर्ड क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दिया 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली मेरी क्वेरी ये बन चुकी है, क्यों, क्योंकि मैंने क्वेरी को पहले विदाउट वैल्यू प्रिपेयर किया, फिर मैंने सारी वैल्यू को सेट कर दिया, फर्स्ट वैल्यू को रोल नंबर से, सेकंड वैल्यू को नेम से, थर्ड वैल्यू को मोबाइल नंबर से। नाउ माय क्वेरी इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। अब मेरी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। तो आप देखो एक डेटा को टेबल में ले जाने के लिए कितने लोग अलग, कितने अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। ड्राइवर अपना काम कर रहा है, ड्राइवर का काम है बॉस, ड्राइवर आपको पाथ बना के दे रहा है। सेकंड डेटाबेस कनेक्शन, कनेक्शन ऑब्जेक्ट रेडी हुआ, कनेक्शन आपको पूरे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन देगा। तीसरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस आपको वो मेथड देगा जिसको लेके आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप समझिए कि एक डेटा को टेबल तक ले जाने के लिए कितने अलग अलग एपीआई यहां पर रोल प्ले कर रही है। मतलब यही होता है एक सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, कि जाना एक को है, जाना आपको है इंडस्ट्री में, लेकिन आपकी एक सफलता के लिए आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, ठीक है, आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब आपके साथ में हैं, तब जाके आप अपनी मंजिल को पहुंचते हैं। ये एग्जांपल उसी चीज का है, अगर आप समझो बात को जरा, तो कि बॉस एक सिंपल सा डेटा है जिसको टेबल में रखना है, लेकिन उसके लिए मुझे ड्राइवर ने अपना काम किया और एक भी इधर उधर हुआ तो एक्सेप्शन डन, एक्सेप्शन आना है, क्योंकि पूरा कोड अभी हम ट्राई कैच में लिखने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने कहीं भी क्वेरी में कोई मिस्टेक की तो एसक्यूएल एक्सेप्शन है। अगर आपका ड्राइवर लोड नहीं हुआ बात खत्म, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ आगे की स्टेप खत्म। तो बच्चे समझो बात को, इसीलिए बोलता हूं मेहनत आपकी है लेकिन उसके पीछे सपोर्ट बहुत सारे अलग अलग लोगों का है, इसलिए पहुंच जाओ राइट, अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। तो देखो जरा फिर से क्वेरी रेडी है, डेटा रेडी, अब इस क्वेरी को मुझे क्या करना है एग्जीक्यूट। तो फाइनली अब मैंने क्या लिखा पीएच डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, पीएच डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर। तो यहां पर क्या किया हमने, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया एन की, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखी मैंने 0, या इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इस कोड को चलिए मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूं, मतलब यहां पे स्टार मार्क के नेक्स्ट पेज पे, कि ये जो पीएच डॉट एग्जीक्यूट अपडेट है एक्चुअली इसको आप यहां से हटा दें, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक पेज पे पूरा कोड नहीं आ सकता। डेटा रेडी है आपका, अब देखा मैंने क्या लिखा पीएच डॉट एग्जीक्यूट, पीएच डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, और एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को हमने क्या दे दिया, सॉरी एसक्यूएल तो आपकी रेडी है। अब इस एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का याद है मैंने रिटर्न टाइप आपको क्या बताया था इंटीजर। एग्जीक्यूट अगर आपकी इस क्वेरी से टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, एक, ठीक है, अगर वो एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो ये मुझे रिटर्न करके देगा 1। तो मैंने क्या किया इस पीएच डॉट एग्जीक्यूट अपडेट को सीधे इफ में लिख के ये कंडीशन लगा दी कि अगर एग्जीक्यूट अपडेट मेथड से रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अब जरा शुरुआत से देखो आप क्या हुआ यहां पे, शुरुआत से अगर हम चले ड्राइवर लोड किया हमने,
और ये पूरा कोड मतलब जहां से आपका ये शुरू हुआ है पूरा हमें ट्राई कैच में लिखना है, डोंट वरी। पहली स्टेप में आपने ड्राइवर लोड किया, सेकंड स्टेप में हमने डेटाबेस कनेक्शन कर लिया, कौन को रेडी कर लिया। अब ये वो वैल्यूज हैं जिनको मुझे टेबल में स्टोर करना है, टेबल मेरी ये रखी हुई है, मैंने बोला रोल नंबर 101, डोंट वरी बाद में हम ये सारी वैल्यू यूजर से स्कैन करवा लेंगे स्कैनर को यूज करके, वो बड़ी बात नहीं है, वो तो प्रैक्टिकली हम देख ही लेंगे, राइट। अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अब इस वैल्यू को मुझे टेबल में रखना है, तो इस वैल्यू को टेबल में स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एसक्यूएल को लिखा। एसक्यूएल जब आपने लिखी तो इस एसक्यूएल में जितने पैरामीटर थे उन सारे पैरामीटर की जगह मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। तो मुझे तीन पैरामीटर की वैल्यू पास करना है, तो हमने क्या यूज कर लिया, तीन क्वेश्चन मार्क। अब ये जो क्वेरी है, सबसे पहले आपको इस क्वेरी को रेडी करना है, क्योंकि अभी आपके हिसाब से वो क्वेरी है लेकिन जावा के हिसाब से तो वो स्ट्रिंग एसक्यूएल है। तो इस क्वेरी को प्रिपेयर कौन करेगा, इस क्वेरी को प्रिपेयर करने के लिए कनेक्शन इंटरफेस के पास एक मेथड है प्रिपेयर स्टेटमेंट। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कौन करेगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप है प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। तो इसने क्या किया, क्वेरी को प्रिपेयर करके किसको दे दिया, पीएस को। अब पीएस का काम क्या है, पीएस बोलेगा भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है ना वैल्यू के साथ, तो क्वेश्चन मार्क वन किस टाइप का है, इंटीजर, मतलब पहली वैल्यू इंटीजर जाएगी। तो मेथड कॉल की सेट इंट, सेट इंट का पहला पैरामीटर क्या है, मतलब जितने भी सेटर मेथड है वो पहली पैरामीटर मांगेगी क्वेश्चन मार्क जो आपको रिप्लेस करना है, राइट। तो मैंने बोला क्वेश्चन मार्क नंबर वन को रिप्लेस करो आरएनओ के साथ, क्वेश्चन मार्क नंबर टू को रिप्लेस करो नेम के साथ, क्वेश्चन मार्क नंबर थ्री को रिप्लेस करो मोबाइल नंबर के साथ। तो जब ये पूरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो आपकी क्वेरी इस तरीके से आपकी क्वेरी इस तरीके से रेडी हो जाएगी, ये आपकी क्वेरी रेडी हो गई। अब ये जो क्वेरी रेडी हुई है, फिर डेटा रेडी हो गई, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने पीएस की कौन सी मेथड कॉल की, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। यदि ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और प्रॉपर हुई, ठीक है, तो आपको बाकायदा टेबल में ये रिकॉर्ड मिलेगा 101 विवेक 12345, ये आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, राइट। और एक रिकॉर्ड अगर इंसर्ट हुआ तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का रिटर्न करके देगी मुझे 1 ग्रेटर देन 0, दैट इज ट्रू, ट्रू पर मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो यदि तीन मैसेज आ गए, पूरे कोड में तीन मैसेज आ गए सीक्वेंस के हिसाब से, ड्राइवर लोड पहला मैसेज, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड दूसरा मैसेज, क्योंकि हमने हर एक स्टेटमेंट के बाद मैसेज दिए है, डेटाबेस कनेक्टेड दूसरा मैसेज और तीसरा रिकॉर्ड इंसर्टेड। अगर ये तीनों मैसेज सीक्वेंस में आ गए आपकी कंसोल स्क्रीन पे तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका पहला जेडीपीसी का कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। और ये होगा प्रैक्टिकली, हमने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो देख ही लिया, लेकिन इस पूरी एप्लीकेशन को मैं आपको अब मैं सिस्टम पे रन करके बताऊंगा, जिसमें हम ड्राइवर लोड से लेके रिकॉर्ड इंसर्शन तक के सारे कोड को लिखेंगे। तो आई होप ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हम क्वेरी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करेंगे और किस तरीके से टेबल में हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। और क्यों, What is the difference between execute update method and execute query method, जो कि अभी आने वाली है, और second, what is the difference between prepare statement and prepared statement? Okay, तो चलिए इसके practical implementation को भी हम देख लेते हैं अभी system पे चल के, but I hope अगर कहीं कोई doubt है, I hope आपको lecture समझ में आया है, पर अगर कोई doubt है तो आप please इस video को एक बार दोबारा देख लें, और फिर भी अगर कोई doubt है तो please comment करके बताएं, क्योंकि JDPC इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडवांस जावा। इसमें कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट को लेटेड भी नहीं लेना है कि चलो यार छोड़ो देखेंगे, अगर ये थॉट ले लिया तो कंपनी भी बोलेगी अच्छा चलो छोड़ो देखेंगे इसको, तो बाद में नेक्स्ट राउंड में बुलाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट राउंड मतलब नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड, आप है ना, ये गलत हुई बात ना कि नेक्स्ट राउंड मतलब आपका छोड़ दिया तो नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन, बच्चे मेरे थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो कि ये टॉपिक केवल इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट भी तो बनाना है ना, प्रोजेक्ट बनाना है तो जेडीपीसी के बिना कैसे एप्लीकेशन बनाओगे आप, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि अभी तो केवल रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, अभी तो डिलीट की बात होगी, अभी तो अपडेट की बात होगी, अभी तो सर्च की बात होगी,
बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इसको पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं और फिर आगे की कहानी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं, टेक केयर।